ये कहानी चीन के एक सम्राट की है। सम्राट ने बुद्ध से पूछा, मेरा मन अशांत है, बेचैन है, मेरे अंदर हर वक्त अशांति रहती है, मुझे इसका कोई उपाय बताएं या कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने सम्राट से कहा, आप सुबह 4 बजे यहाँ आ जाएं। उस समय यहाँ कोई नहीं होता मेरे सिवा, और याद रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ ले आइएगा, उसे घर पर छोड़कर मत आइए। सम्राट सोच में पड़ गया कि ये आदमी पागल है शायद। ये कहता है अपने अशांत मन को साथ ले आना, उसे घर मत छोड़ना, वरना मैं शांत किसे करूँगा, मैं उसे ज़रूर शांत कर दूँगा, बस उसे ज़रूर ले आना अपने साथ। सम्राट अपने घर गया, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा अशांत था। उसने सोचा था कि ये आदमी संत है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन ये तो बेकार की बात कर रहा है, कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता है। सम्राट रात भर सो नहीं सका, मन तो नहीं था उसका जाने का, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण था बुद्ध के व्यक्तित्व में, जिसने उसे मना ही लिया वहाँ जाने को, और 4 बजे सुबह वह तैयार था। डरा हुआ भी था कि ये अकेले क्यों बुला रहा है, रास्ता भी सुनसान होगा, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, मगर सारी दुविधाओं के बीच भी वो सुबह सवेरे बुद्ध के पास पहुँच ही गया। बुद्ध अपने झोपड़े में डंडा लेके बैठे थे, और उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया, आ गए तुम, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, उसे साथ लाए हो या नहीं, लाओ मैं उसे शांत करूं। सम्राट ने कहा, मगर मन तो मेरे अंदर है, वो मैं आपको कैसे दिखाऊं, वो कोई वस्तु थोड़ी ना है। बुद्ध बोले, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करो आंख बंद करके अपने अंदर अपने मन को खोजो, और मिल जाए तो उसे वहीं पकड़ लो, और फिर आँख खोल कर मुझे बताओ, मैं उसको शांत कर दूंगा। बहुत अनमने मन से सम्राट ने आंखें बंद कर ली और मन को खोजना शुरू किया। बुद्ध के डंडे का डर भी था उसको, अंदर खूब खोजता रहा, बहुत कोशिश की, मगर सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि जितनी मन को खोजने की कोशिश हो रही थी उतना ही वो विलीन होता जा रहा था, और अब सम्राट को शांति का अनुभव भी हो रहा था, मन जैसे छाया की तरह विलीन हो गया था, अंदर दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं था। कोशिश करते करते समय गुजरता गया और सम्राट को इसकी खबर भी नहीं थी, वो तो बस आँख बंद करके मूर्ति समान बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। और जब सुबह होने को आई तो बुद्ध ने कहा, अब आँखें खोलो, इतना खोजना काफ़ी है, अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा मन है कहाँ। सम्राट ने आँखें खोली, वह बहुत शांत था, उसने बुद्ध के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने मेरे मन को शांत कर दिया। सम्राट ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया कि कुछ किए बिना ही कैसे उसका मन शांत हो गया, सिर्फ अपने भीतर जाने की देर थी, जो बेचैनी बरसों से ख़त्म ही नहीं हो रही थी वो कुछ समय के मौन और अपने अंदर जाने की प्रक्रिया ने ख़त्म कर दी। निश्चित ही बुद्ध ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह है कहाँ, और उसे खोजने का प्रयत्न ही काफ़ी था, वह कहीं नहीं पाया गया।